नमस्कार दोस्तों, गजानन मार्शल आर्ट में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। योग ही जीवन है, इस प्रकार का अपना जीवन अपन योग अपने जीवन में उतारना है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपन योग की शुरुआत करें अपने जीवन में। अभी जैसे कोरोना महामारी बढ़ रही है, उसको कोरोना महामारी में योग भी एक साधक है, योग भी एक दवा हो सकती है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और जिसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता होता है तो वो कोरोना को मात देता है। तो एक और काम आपने करना है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक प्रतियोगिता रखी है मैंने, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आएंगे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर मेरे नंबर पर सेंड करना 94-13-13-14 पर। सर्वप्रथम आपको बता रहा हूँ मैं गर्दन के लिए, अधिकांश क्या है गर्दन का व्यायाम कोई नहीं करता, पहले आगे करना धीरे धीरे, गर्दन को झुकाना, फिर पीछे धीरे धीरे आगे पीछे करना, फिर बाएं गले लेना पहले, फिर सीधा करना, फिर दाएं की तरफ, इस प्रकार 3 बार इधर करना, 3 बार इधर करना, और 3 बार आगे करना, 3 बार पीछे करना, फिर गोल घुमाना, बाएं से गोल घुमाना पूरा पीछे ले जाते हुए, इसी प्रकार फिर दाएं तरफ से घुमाना विपरीत, 3 बार बाएं तरफ से घुमाना, फिर 3 बार दाएं तरफ से घुमाना, वापस दूसरा है आड़ासन, एड़ी पंजे मिलाना, हाथों को धीरे धीरे ऊपर करना, फिर मोड़ना हाथों को, फिर हाथों को सीधा करना, ऊपर कैंची बनाना, और उसके बाद में हाथों को इस प्रकार करना ऊपर की तरफ हथेलियां, और श्वास लेकर पूरे शरीर को ऊपर खींचना पूरा, और एड़ी पंजे भी साथ में करना पूरा उठाना, स्थिति में रुकना और श्वास प्रश्वास करना, श्वास प्रश्वास मानी श्वास लेना और छोड़ना, फिर वापस धीरे धीरे आना स्थिति में, हाथों को छोड़ना, वापस धीरे धीरे नीचे लाना, झुकाना, फिर वापस आना, आसन एकदम धीरे धीरे करना, इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है और पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। नेक्स्ट वृक्षासन, दाएं पैर को दाएं पैर के पास में लगाना, यहाँ जंघाओं के पास में पूरा लगाना, फिर वापस धीरे धीरे हाथों को करना, फिर ऊपर की तरफ हथेलियां, फिर ऊपर लेना और फिर ऊपर की तरफ खींचना, स्थिति में रुकना, श्वास प्रश्वास लेना, फिर धीरे धीरे आना, छोड़ना, फिर वापस नीचे हाथों को लाना, इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, ये फिर बाईं तरफ से भी करना। अगला है पाद हस्तासन, श्वास लेना, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना, श्वास छोड़ते हुए कमर को मोड़ना, कमर को मोड़ना धीरे धीरे, कमर को मोड़ना, कमर को मोड़ना, श्वास छोड़ते हुए और ऊपर की तरफ जाना, फिर श्वास लेते हुए वापस जाना, पूर्ण स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। नेक्स्ट है अर्ध चक्रासन, अंगूठों को पीछे लगाना कमर के पास में और पैरों को थोड़ा खोलना, फिर पीछे की तरफ झुकना, श्वास लेना, श्वास लेते हुए वापस आना, इससे कमर मजबूत होती है, और जो आसन पादहस्तासन किया है उसके विपरीत आसन करना जरूरी होता है, इसलिए अपन ने इसका अर्ध चक्रासन किया है। फिर त्रिकोण आसन करना, हाथों को खोलना और धीरे धीरे इधर हाथ को ले जाना और ये बाएं हाथ से बाहर रखना, हाथ और ऊपर की तरफ, इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर में लचक रहती है और साथ में कमर में जो मोटापा होता है, चर्बी होती है, वो भी दूर करने में मददगार होता है। फिर सामने आना, दूसरी तरफ करना। Thank you.
करने, सीधे रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आना। इसी प्रकार इसमें दूसरा आसन है त्रिकोण आसन का ही, दाएं हाथ को इधर हथेली को इधर करना, कंधे के पास में लाना और फिर बाईं तरफ झुकना पूरा, जितना आप जा सकते उतना जाना, लेकिन आगे नहीं झुकना, बगल में झुकना है। ये शरीर की जो चर्बी है, सबसे बड़ी समस्या होती है शरीर की चर्बी, इसको चर्बी को दूर करने के लिए आसन किया जाता है। पूरा झुकना, श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास लेते हुए ऊपर आना, दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए लेते हुए फिर वापस आना। वीर भद्रासन देखिए, नेक्स्ट इस पैर के पंजे को इधर करना पूरा, उसके बाद में पीछे वाले पैर को थोड़ा और खोलना, हाथों को दोनों को सामने सीधा करना। अब इस पैर पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का एंगल बनाना और पूरा झुकना, इस हाथ को पीछे की तरफ खींचना, इस हाथ को आगे की तरफ, और दोनों हाथ सामने सीधे रहेंगे और बाएं हाथ की तरफ देखना, स्थिति में रुकना। इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर बहुत मजबूत होती है और लचक भी आती है। फिर आना वापस स्थिति में आना, धीरे धीरे दूसरी तरफ घूमना, दाएं पैर की एड़ी, फिर कबना दाएं पैर पे, और पूरा पूर्ण स्थिति में रुकना, फिर सामने आना, पैरों को नजदीक लेना। पहले खड़े होकर आसन किए जाते हैं, उसके बाद फिर बैठने के आसन किए जाते हैं, वज्रासन। वज्रासन में ये पैर है, ये इन पैरों को पीछे बैठना और पूरा सामने बैठना, दोनों पैर पीछे नितंब की ओर लगेंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है कि जो भोजन के तुरंत बाद में कर सकते हैं, अपने गैस की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की पाचन शक्ति कमजोर हो, इसके लिए सबसे ज्यादा मजबूत और बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। भोजन के तुरंत बाद में अपने को 5 मिनट ये करना ही चाहिए, पूरा नीचे बैठना आराम से और पूर्ण स्थिति में रुकना। नेक्स्ट शशांक आसन, मतलब वो पूरा श्वास लेते ऊपर खींचना, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आना और जमीन की मस्तक लगाना, कमर सीधी रखना और पूरा खींचना। इस आसन के माध्यम से जो डिप्रेशन की समस्या होती है, 5 मिनट इस स्थिति में रुकना, डिप्रेशन की समस्या दूर होती है, तनाव मुक्त होता है। इससे श्वास पर श्वास करना, सामान्य श्वास रहेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आना। नेक्स्ट है अंगुष्ठासन, इस पैर को गर्दन के ऊपर रखना और फिर पैर को ऊपर उठाना, और नीचे आना धीरे धीरे। थोड़ा कठिन है लेकिन अभ्यास के माध्यम से अपन कर सकते हैं, ये मार्शल आर्ट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट है पवन मुक्तासन, जमीन पे लेटना सीधा, उसके बाद में दोनों पैरों को श्वास लेते हुए नजदीक लाना, श्वास छोड़ते हुए आगे आना, और उसके बाद में आगे पीछे कर सकते हैं अपन ऐसे, और फिर स्थिति में आना। इस आसन से जो पेट में गैस होती है, इसमें बहुत मदद मिलती है, गैस्ट्रिक की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो ये गैस्ट्रिक की समस्या को दूर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है सर्वांग आसन, जमीन पे लेटना धीरे धीरे, पैरों को ऊपर उठाना, फिर ऊपर उठाना और ये पूरा एक्स्ट्रा ऊपर उठाना, और ये हाथों को यहाँ नजदीक में लगाना कमर के पास में और पूरा ऊपर उठाना, पैरों को खींचना ऊपर। इस आसन से अपने चेहरे की चमक बढ़ती है, तेज है वो तेज बढ़ता है। नेक्स्ट है हल्लासन, जमीन पे लेटना, श्वास लेते हुए पैरों को उठाना, यहाँ तक श्वास लेना, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन पे लगाना, और कम से कम 5 मिनट तो या 2 मिनट इस स्थिति में रुकना, श्वास पर श्वास सामान्य रहेगा,
घुटने बेंड नहीं होने चाहिए, एकदम सीधे रहने चाहिए घुटने। पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। कंधे भी मजबूत होते हैं इससे। नेक्स्ट है दंडायमान विभक्तासन। बहुत कठिन है लेकिन अभ्यास करेंगे तो संभव है कि कर भी सकते हैं। पूरा पैर ऊपर उठाना, यहाँ डालना और नमस्कार की मुद्रा में खड़े होना, पैर को नीचे लाना, धीरे धीरे छोड़ना। तो दोस्तों इसी प्रकार रोजाना अभ्यास करें आसनों का। शरीर में लचक, मैंने पहले भी कहा लचकदार होना जरूरी है, तो अगर लचक आपके शरीर में होगी तो आप मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। लचक नहीं रहेगी तो मार्शल आर्ट नहीं कर पाओगे। एक डांसर की तरह होना चाहिए शरीर और नियमित रूप से आसन तो करने ही चाहिए। मार्शल आर्ट के बाद में 10 मिनट 15 मिनट आप लोग हमेशा आसन करोगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, नहीं तो पूरे दिन वैसे टाइट रहोगे, मार्शल आर्ट बन जाओगे, फिर तो इंसान नहीं रहोगे। तो इसलिए शरीर में साथ में मार्शल आर्ट करने के साथ साथ आसन का भी अभ्यास करें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो जरूर ही अपने को आसन करने ही है, क्योंकि ये अपने भारत देश के लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है। धन्यवाद। वंदे मातरम।